45 ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਏ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ 45 ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋ ਹੈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਹਾਂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਐਫ ਪਾਰਟ ਹੈ 80,000 स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 का ये साडे कोल जो है एफ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4 का एफ पार्ट है साडे कोल 80,880 ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਰਡ ਦੇਖੋ 1000 ਦੇਖੋ 1000 ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ 1000 ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹ 1000 ਦੇਖੋ ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਡ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ 80 ਦੇਖੋ ਜੋ 80 ਹੈ ਉਹ ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ 80 ਇੱਥੇ 8 ਨਹੀਂ ਹੈ 8000 ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ 8000 ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਵਾਲੇ 1000 ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਦੇ ਠੀਕ ਹੈ क्योंकि ये डबल डिजिट नंबर है यानी कि आप 10,000 ये जो केवल 10,000 वाला जो बॉक्स है इसको आप स्टार्ट करेंगे देखो आप इस 80,000 को 8 को आप 10,000 के नीचे लिखेंगे और इस 0 को आप 1000 के नीचे लिखेंगे देखो जो ऊपर बॉक्स आ रहा है 1000 वाला उसी के नीचे सारा जो है इस 80 को लिखना है क्योंकि 80 जो है एक डबल डिजिट नंबर है इस करके आप 80 को ऐसा 80 लिखेंगे और 10,000 के नीचे आप 8 को लिखेंगे और 0 को आप 1000 के नीचे लिखेंगे अगला नंबर है साढ़े को 800 देखो 100 वाली लाइन देखो तुसी ए है ठीक है क्योंकि 8 जो है वो सिंगल डिजिट नंबर है तो तुसी 100 वाले जो ये बॉक्स है इससे नीचे उसी एड को लिख देना है देखो तुसी 100 को देखा इस प्लेस वैल्यू चार के बीच और 100 को पहला जड़ा वर्ड लिखा हुआ है जिवें कि इथे 8 है उसी एड को नंबर बना के लिख देता है उस तो बाद साडे को वर्ड है 80 80 को आप नंबर्स के बीच कैसे रिप्रेजेंट करते हैं 8 और 0 के नाल ਇਹੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਹੀ ਡਿਜਿਟਸ ਬਚੀਆਂ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਟੈਂਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੈ ਵਨਸ ਤੇ ਟੈਂਸ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 8 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤੇ ਵਨਸ ਨੀਚੇ ਆਪਾਂ 0 ਲਿਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ 80,880 ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਆਨਸਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 80880 ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਸ वर्ड्स वाले नंबर को या इस वर्ड्स को आपा जो है नंबर्स के बीच या जो है फिगर्स के बीच आपा जो है कन्वर्ट करता है साडा यही क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स इन नंबर को तुसी जो है फिगर्स के बीच रिप्रेजेंट करना है लिख के दिखाना है और वो आपा करके दिखाता है 80,880 आपा 80880 ये जो है आपा लिख देता है फिगर्स के बीच रिप्रेजेंट कर देता है स्टूडेंट्स बाकी के जो पार्ट्स है क्वेश्चन नंबर 4 के वो तुम अपने आप सोल्व करोगे जो कोई प्रॉब्लम है तो मैं कमेंट जरूर करो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 राइट द सक्सेसर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स तुम जो है ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਗਿਵਨ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਕਸੈਸਰ ਲਿਖਨੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਦ ਵੀ ਇਹ ਸਕਸੈਸਰ ਵਰਡ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਸਟ ਜੋ ਪਲੱਸ 1 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ
पहुंचे जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसका ए पार्ट है कि 998 का तुसी सक्सेसर फाइंड आउट करना है। तो सक्सेसर फाइंड आउट करने वास्ते सिंपल इको ही ट्रिक है कि तुसी इस नंबर दे विच प्लस 1 ऐड कर देना है। 8 + 1 = 999 यानी कि 999 ए जो है सक्सेसर है 998 का। तुसी जस्ट प्लस 1 ऐड कर देना है सक्सेसर नू फाइंड आउट करने वास्ते। इवें ही जो है मैं एक दो एग्जांपल बोल लेना हाँ। देखो बच्चों तुम्हें पता है ना 2018 तो बाद केड़ा साल आया से साढ़े को 2019 इट मीनस कि जो आप 2018 के बीच प्लस 1 ऐड करांगे तो उस तो अगला जो नंबर आना है साढ़े को 2019 आना है यही उसका सक्सेसर होगा। सक्सेसर फाइंड आउट करने वास्ते तुसी जस्ट प्लस 1 नू ऐड करना है। थोड़ी जी तुम जो है कंफ्यूजन हो सकती है जरा इस डी पार्ट को क्वेश्चन नंबर 5 का ये जो है डी पार्ट है इसमें भी सानू 5 टाइम्स 9 जो है दिता है। अगर मैं इसको बोला तो ये बनेगा 99,999 इसका तुसी सक्सेसर फाइंड आउट करना है। इसमें भी तुम थोड़ी जी कंफ्यूजन हो सकती है वो कंफ्यूजन मैं तुम्हें दूर करवा देना हाँ। जरा ध्यान ना देखना इस क्वेश्चन को देखो स्टूडेंट्स 9 + 1 10 हो जाएगा। जब ये 10 हो जाएगा तो 1 कैरी होएगा इतने ये वाला 9 + 1 ये भी 10 हो जाएगा ये वाला 1 कैरी होएगा इतने ये भी 9 + 1 = 10 9 + 1 = 10 9 + 1 = 10। ये जो नंबर है 99,999 इसका जो सक्सेसर है जब आप प्लस 1 करांगे ये जो है कंप्लीट 1 lakh सानू जो है मिलेगा पूरा 1 lakh जो है 1 × 5 × 0 जो कि 1 lakh होता है ये सानू जो है मिलेगा। ये थोड़ी जी कंफ्यूजन हो सकती है तो इस करके मैं जो है करवाता है बाकी पार्ट्स तुसी अपने आप करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो तुसी मैं जो है कमेंट करो। इवें ही एक पार्ट आप होर सॉल्व कर लेंगे स्टूडेंट्स 9 + 1 = 10 हो जाएगा 1 कैरी होके 0 के ऊपर आएगा तो 1 + 0 = 1 हो जाएगा ए भी 0 एज इट इज ए भी 0 एज इट इज और ए का 4 एज इट इज ए जो है सारे को आंसर सब मिलेगा 40,010। इधर जो आंसर है एक क्वेश्चन है तो अंडर लास्ट जो पार्ट है एफ पार्ट क्वेश्चन नंबर 5 का ए उसका आंसर है 40,010। देखो स्टूडेंट्स ये तो आपका गल की है सक्सेसर बारे एक होर वर्ड है वो है प्रीडिसेसर। जिवें आप सक्सेसर दे विच प्लस 1 करते हाँ उसी तरह आप प्रीडिसेसर दे विच माइनस 1 करते हैं। देखो सक्सेसर जो है अगला नंबर होता है तो जो प्रीडिसेसर है वो पिछला नंबर होता है। तो अगर आप किसी नंबर का अगला नंबर फाइंड आउट करना है तो आप प्लस 1 ऐड करांगे ते अगर आप किसी नंबर का पिछला नंबर फाइंड आउट करना है तो माइनस 1 करांगे। इस करके आप प्रीडिसेसर को कढ़ने वास्ते उन्हें माइनस 1 करांगे ते सक्सेसर को कढ़ने वास्ते आप जो है प्लस 1 करांगे। प्रीडिसेसर 2 4 8 5 5 -1
जो भी असी प्री डिसेसर नू फाइंड आउट करना है तो आपां जो है माइनस वन करना है उस नंबर दे पिछो फाइव के पिछो वन माइनस फाइव फोर एला फाइव एज इट इज एट एज इट इज फोर एज इट इज टू एज इट इज टू फोर एट फाइव फाइव इसका जो प्री डिसेसर है वो है टू फोर एट फाइव फोर 24,855 का जो प्रीडिसेसर है वो है 24,854 जस्ट उसी जो है उस नंबर के विच माइनस वन कर देना है प्रीडिसेसर को फाइंड आउट करने वास्ते स्टूडेंट्स ये जो है सी पार्ट है क्वेश्चन नंबर सिक्स का जिसके विच आप प्रीडिसेसर फाइंड आउट कर रहे हैं ये देखो जरा नाइन विच वन गए एट और ये वाला नाइन एज इट इज और थ्री एज इट इज देखो 39,999 का जो प्रीडिसेसर है वो है 39,998 इन्हें ही जो है एक और पार्ट है ई पार्ट के बीच थोड़ी जी कंफ्यूजन हो सकती है इस करके मैं करवा रहा हाँ और इस पार्ट को ई पार्ट को तुम ध्यान रख समझना है इससे कि थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है साढ़े को नंबर है 50,000 इस माइनस वन करांगे देखो 50,000 है आप माइनस वन करांगे ऊपर जो है जीरो है नीचे जो है वन है नीचे लार्जर नंबर है ऊपर स्मॉलर नंबर है इस केस में आप करांगे कि फाइव को वन कैरी करांगे जो तो फाइव तो वन कैरी होके आएगा इतने बन जाएगा टेन टेन के बीचों बन गए नाइन इसी गल का ध्यान रखना है कि आप फाइव तो वन कैरी करांगे और ए वाला जो जीरो है वो बन जाएगा टेन टेन के बीचों जब वन माइनस करांगे तो टेन माइनस वन इक्वल टू आएगा साढ़े को नाइन हूं जी गल ध्यान देने वाली है या समझने वाली है जरा ध्यान ना देखना तुसी जो गलती करोगे कि तुसी इसनों जीरो नीचे उतार दोगे इसनों भी जीरो लिख दोगे स्टूडेंट्स एक गलत है जब ये टेन बनेगा तब जो ये जीरो है वो जो है नाइन बचेगा उठे उठे जीरो नहीं रह जाएगा उठे वो नाइन बचेगा इस गल को जरा ध्यान ना समझो जो फाइव तो वन कैरी होके आया तो इतने टेन बन गया टेन माइनस वन नाइन हो गया बट ए वाला जो जीरो है ए जीरो नहीं रहा ए जो है नाइन बन गया है क्योंकि ये टेन है ए जो है ये नाइन बन चुका है इन्हें ही जितने भी जीरोस हैं उन्होंने तुसी नाइन लिखना है जीरो तुसी जो है नीचे नहीं उतारना इसी जगह से थोड़े को गलती हो सकती है यही जो चीज है इस क्वेश्चन के बीच कंफ्यूजिंग है तो यही समझने वाली चीज है तुसी इतने जीरो नु नीचे नहीं उतारना तुसी इतने नाइन नु नीचे उतारना है नाइन 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 और क्योंकि फाइव विचो वन कैरी हुआ है इस करके फाइव विचो वन माइनस करके तुसी इतने फोर लिखोगे ए वाला जो क्वेश्चन है थोड़ा कंफ्यूजिंग है थोड़ा समझने वाला है कि टेन के बीचों बन गए तो नाइन और इस जगह तुम जीरो नीचे नहीं लिखोगे इस जगह तुम नाइन लिखना है नीचे और ये जितनी भी तीन जीरो है इन्होंने तीन जीरो के बीच नाइन को ही नीचे उतारोगे जीरो को नीचे नहीं लिखोगे और फाइव विचो बन गए तो बचेगा साढ़े को फोर तो स्टूडेंट्स ये जो है ऑलमोस्ट एक्सरसाइज 1.1 पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के जो पंजवी का जो मैथ है उसकी मैं जो है करवाती है ते मैं तुम्हें तो समझाता है बाकी जो थोड़े बहुत क्वेश्चन है तुम अपने आप ट्राई करने हैं वो मैं तुम्हें तो ऐसा होमवर्क दे रहा हाँ थोड़ा कोई दिक्कत आती है या कोई प्रॉब्लम आती है मैं कमेंट कर सकते हो हूँ असं स्टार्ट करते हाँ एक्सरसाइज 1.2
एक्सरसाइज 1.2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਰਾਈਟ ਦਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ ਡਿਜਿਟਸ ਇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਨੰਬਰਸ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨਡ ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਜੋ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਏ ਪਾਰਟ ਹੈ 8326 ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਚਾਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ 6 2 3 ਔਰ 8 ਦੇਖੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 6 ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1s ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਨੰਬਰ ਹੈ ਉਸਦਾ ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਹੈ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨੰਬਰ ਆਏਗਾ ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ 1s ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨੂੰ ਲਿਖਾਂਗੇ 10s ਦੇ ਨੀਚੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਾਂ 100 ਦੇ ਨੀਚੇ ਔਰ 8 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 1000 ਦੇ ਨੀਚੇ ਲਿਖਾਂਗੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ 2 ਹੈ 2 10s ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2 10s ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ 10s ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 10 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20 ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ 2 ਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ 2 ਦੀ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਦੱਸੋ ਕਿ 2 ਜੋ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 10s ਦੇ ਨੀਚੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ 2 ਨੂੰ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਲਿਖੋਗੇ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 2 ਇਕੁਅਲ ਟੂ 20 ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਇਵੇਂ ਪਲੇਸ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 2 ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2 ਮਲਟੀਪਲਾਈਡ ਬਾਈ 10 ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਏ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਜੋ ਹੈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ
देख सकते हो कि जड़ा एक नाइन है वो 10,000 के नीचे आ रहा सी। इस तरह के अपन 9 को 10,000 के साथ मल्टीप्लाई कितना है कि 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 9 मल्टीप्लाइड बाय 10,000 दैट इज इक्वल टू 90,000। इस अंडरलाइन 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 90,000। स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चंस हैं या इससे जो पार्ट्स हैं वो ऐसा होमवर्क में तुम दे रहा हूं और तुसी अपने आप सॉल्व करने हैं ते हुन असी करांगे क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 1.2 दा। क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो है राइट द फेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइंड डिजिट्स इन द फॉलोइंग नंबर्स। सानू कुछ नंबर्स गिवन है ते उना दी जो फेस वैल्यू है अंडरलाइंड डिजिट्स दी वो सानू दसनी है। पहला नंबर साडे कोल है 82232 82232। मेरे ख्याल तो शायद ये जो क्वेश्चन है शायद तुहाडे पूरे मैथ्स दे विचों सब तो इजी और सब तो सिंपल क्वेश्चन है। इस दे विच तुसी कुछ नहीं करना, जस्ट जो नंबर तुहाडे कोल अंडरलाइन है उसनू लिख देना है कि ओही नंबर उस नंबर दी फेस वैल्यू है। जिवें कि तुसी इत्थे देख सकदे हो तुहाडे कोल नंबर है 2 तां तुसी लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ 2 इक्वल टू। तुसी लिखना है जो भी अंडरलाइन डिजिट है तुहाडे कोल उस अंडरलाइन डिजिट की फेस वैल्यू वही डिजिट होगी। जिवें इत्थे 2 जो है वो अंडरलाइन डिजिट है तो उसकी अगर आप फेस वैल्यू निकालनी है तो वही नंबर यानी 2 ही जो है उसकी फेस वैल्यू होगी। मैं जो है एक और एग्जांपल लेना हूं जिवें कि तुसी देख सकते हो अगला है 54180। इस दे विच जो ये 4 है तुसी लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ 4 इज 4। इवें ही तुहाडे कोल एक और एग्जांपल है, क्वेश्चन है 90811। इस दे विच जो 8 है वो अंडरलाइन डिजिट है अगर तुसी 8 दी फेस वैल्यू निकालनी है तां वो 8 ही होवेगी। तुसी लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। जिस भी डिजिट दी तुसी फेस वैल्यू निकालनी है ओही डिजिट अपनी डिजिट दी फेस वैल्यू होवेगी। तुसी लिख देना है जिवें इत्थे मैं 8 दी फेस वैल्यू निकाली है तुसी लिखोगे फेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8। ये मेरे ख्याल तो पूरे मैथ्स दे विचों पंजवीं दे मैथ दे विचों सब तो इजी क्वेश्चन है। इस दे विच तुसी कुछ नहीं करना, उसी नंबर नू ऐसे आंसर या ऐसे फेस वैल्यू लिख देना है। हुण असी करांगे एक्सरसाइज 1.2 दा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पेपर दे विच आउण दे काफी ज्यादा चांसेस है।
स्टूडेंट्स बोनसी एक्सरसाइज 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर जो 3 है एक्सपेंडेड फॉर्म वाला उसनों अपना सोल्व करना है और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरा ध्यान के नाल उसे समझना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर के आने के काफी चांसेस होते हैं। साढ़े को जिम्मे की ए पार्ट है 232 स्टूडेंट्स जिम्मे की मेरे को ए पार्ट गिवन है 232 इसमें पहले का जो अपने को प्लेस वैल्यू चार्ट होता है जिम्मे की तुम देख सकते हो इसके इस नंबर को लिखोगे जो 2 है इसनों तुसी 1 से नीचे लिखोगे इवें ही 3 नू 10 से नीचे और इवें ही 2 नू 100 से नीचे लिखोगे। ठीक है स्टूडेंट्स जो 2 है इसनों मैं 1 से नीचे लिखा है जो 3 है उसनों मैं 10 से नीचे लिखा है जो 2 है उसनों मैं 100 के नीचे लिखा है। हम इसके बाद उसे करना की है देखो स्टूडेंट्स जिन्हें की एक 2 है एक 2 क्योंकि एक 2 1 से नीचे आ रहा है इस 2 को आप 1 के नाल मल्टीप्लाई करा दे। ठीक है जी और आप लिखा इक्वल टू जिवे 3 है ए वाला 3 क्योंकि 10 से नीचे आ रहा है इस 3 को आप 10 के नाल मल्टीप्लाई करा दे। यानी कि 30 ए वाला जो 2 है इसको आप 100 के नाल मल्टीप्लाई करा दे स्टूडेंट्स तुसी इस तरह जो है इन्हां क्वेश्चंस नु सॉल्व करना है ते जड़ी एक्सपेंडेड फॉर्म है उसनु तुसी नीचे लिख के दिखाना है। साढ़े को क्वेश्चन नंबर 3 का एफ पार्ट है 43710 जो ये एफ पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का ये है साढ़े को 43710 इसनु आपा एक्सपेंडेड फॉर्म दे विच लिख के दिखाना है। तो सब तो पहला जरा ये 0 है आपा 1 से नीचे लिखांगे जरा ये 1 है वो आपा 10 से नीचे लिखांगे जरा 7 है वो 100 के नीचे जरा 3 है वो 1000 के नीचे जो 4 है वो आप 10,000 के नीचे लिखांगे हम आप रिप्रेजेंट करना है।
स्टूडेंट्स जरा ध्यान ना देखना, ये जो है नंबर है जीरो, उन जीरो जो है वो आ रहा है वंस वाली जो लाइन है उसके नीचे, यानी कि वंस वाला जो बॉक्स है साढ़े को उसके नीचे आ रहा है जीरो। वैसे तो आप मल्टीप्लाई करते हैं वन के नाल, जब भी आप वंस वाली वैल्यू निकालना होंगे तो आप वन के नाल मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि इतने वन जीरो नाल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो जीरो नाल कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होए बेशक इतने वन है, मान लो जीरो नाल टेन मल्टीप्लाई हो रहा होंगे, हंड्रेड मल्टीप्लाई हो रहा होंगे, वन थाउजेंड मल्टीप्लाई हो रहा होंगे, वन लैख मल्टीप्लाई हो रहा होंगे, या वन करोड़ मल्टीप्लाई हो रहा होंगे। जीरो नाल अगर कोई भी नंबर मल्टीप्लाई होएगा तो जीरो उस नंबर को मल्टीप्लाई करके, या जीरो नाल उस नंबर को मल्टीप्लाई करके सानू मिलेगा जीरो ही। जीरो के नाल जब भी आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करांगे तो सानू जीरो ही आंसर मिलेगा, बस यही इंपोर्टेंट गल है। इस तो बाद है साढ़े को वन, क्योंकि वन जो है वो टेन से नीचे आ रहा है, इस करके आप टेन में मल्टीप्लाई करांगे इक्वल टू टेन, और ये जो सेवन है वो हंड्रेड के नीचे आ रहा है तो आप सेवन को हंड्रेड के नाल मल्टीप्लाई करांगे इक्वल टू सेवन हंड्रेड। ये जो थ्री है वो थाउजेंड के नीचे आ रहा है तो आप थ्री को थाउजेंड के नाल मल्टीप्लाई करांगे इक्वल टू थ्री थाउजेंड। ये जो फोर है, क्योंकि फोर टेन थाउजेंड के नीचे आ रहा है, इस करके आप फोर को टेन थाउजेंड के नाल मल्टीप्लाई करांगे। जो आप फोर को टेन थाउजेंड के नाल मल्टीप्लाई करांगे तो साढ़े को आएगा फोर्टी। स्टूडेंट्स सिंगल होल, मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं कि देखो जो भी आप किसी नंबर को टेन नाल थाउजेंड नाल हंड्रेड नाल या टेन थाउजेंड नाल या लैख नाल मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें जरूरत नहीं है कि तुसी उस नंबर को जिवें कि आप इतने फोर को करना से टेन थाउजेंड के नाल तुसी मल्टीप्लाई करन लग जाओ। इसकी एक सिंपल ट्रिक होती है, मैं तुम्हें दस देना, जरा ध्यान नाल समझना। जिवें कि यह फोर है और ये जो है टेन थाउजेंड है, तुसी करोगे कि इस फोर को वन के नाल मल्टीप्लाई करके फोर लिखोगे, तो पीछे जितनी भी जीरोस हैं वन टू थ्री फोर, ये चार जो जीरो है उन्होंने इस फोर के पीछे लिखोगे। इवें ही स्टूडेंट्स एक होर समझो, जिवें साढ़े को थ्री है, उसे थ्री को थाउजेंड के नाल मल्टीप्लाई करना है, तो तुसी थ्री को वन नाल मल्टीप्लाई करके थ्री जो है लिख देता है। उस तो बाद जो ये पीछे जो थ्री जीरोस है उन्होंने तुसी थ्री के पीछे लिख देना है और कुछ नहीं करना। इवें ही सैवन जो हंड्रेड के नाल मल्टीप्लाई करना है तो सैवन वन नाल मल्टीप्लाई करके सैवन, और जिहड़ी पिछे दो जीरोस है उन्होंने तुसी एज इट इज लिख दोगे, और कुछ नहीं करना है। स्टूडेंट सानू एक्सपेंडेड फॉर्म निकालनी सी, एक तो आपका जो है प्लेस चार्ट के नाल इसनू आपां सोल्व कर लिया है, हुण असीं आपां इसकी जो एक्सपेंडेड फॉर्म है वो लिखनी है। एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ 43,710 इक्वल टू, देखो स्टूडेंट्स तुसी जो है नीचे तो स्टार्ट करना है, जो नंबर तुहाडे कोल आया है जिवें कि ये 40,000 है इसनू तुसी पहला लिखोगे 40,000 प्लस, इस तो बाद अगला नंबर 3,000, इस तो बाद अगला नंबर 700, इस तो बाद अगला नंबर प्लस 10, फिर अगला नंबर प्लस 0। प्लस जीरो लिखो चाहे ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर लिख भी दोगे तो गलत नहीं होएगा। स्टूडेंट्स आई होप कि तुम्हें क्वेश्चन समझ आ गया होगा एक्सपेंडेड फॉर्म वाला, तो अगर तुम्हें कोई भी डाउट है तो तुसी मैं जो है कमेंट करो, मैं तुम्हारा जो है आंसर जरूर देवगा। थैंक यू एवरीवन, हूँ असं अपने नवे जोड़ा अगला लैक्चर होगा उसके जो है अगले लैक्चर के 1.3 ते 1.4 सॉल्व करांगे। थैंक यू एवरीवन।